अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं ऊपर आया हूँ तो यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है, आप ये देख सकते हैं, बादल वगैरह भी आए हुए हैं काफी, और बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है। खैर, आज हमने सोचा है कि आज हम अपने जो चूजे हैं छोटे और बड़े, उन सबको जो है वो पकड़ेंगे और उनको देखते हैं उनके पर में कोई जूं वगैरह तो नहीं है या कोई और कीड़े तो नहीं लगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पिंजरा भाल ले आओ। ये एक एक करके पहले इन चूजों को पकड़ते हैं, फिर देखते हैं इनके पर, निकालो एक एक करके। और देखो इनकी जो है फीड बिल्कुल खत्म हो गई है, तो आप जाओ फीड ले आओ। ये देखते हैं अब इसको, जरा इसका पर खोलो। ये मेरे ख्याल से इसका तो बिल्कुल सही है, पर दूसरा वाला भी देख लेते हैं। इसके भी पर बिल्कुल सही है माशाल्लाह। चलो ठीक है, इसको रख दो अंदर अब। और अब एक काम करो, इसको एक एक करके निकालो। पहले ये देसी को निकाल लो, छोटे को। आज हमारे साथ हुजैफा भी मौजूद है। हुजैफा चलो इसके पर चेक करो, खोल के जरा दिखाओ। इसमें देखो कहीं कोई नहीं, इधर से तो सही है, इधर से देखते हैं। इसमें भी माशाल्लाह बिल्कुल सही है। चलो अब तीसरे को निकालो। अच्छा, ये देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर इनको जो है कोई कीड़ा लग जाए इनके, तो उसकी फिर वो ट्रीटमेंट करना पड़ता है, वरना नहीं तो इनको फिर वो बीमारी भी हो सकती है और जिससे ये मर भी सकते हैं। इसका चेक करो जरा, थोड़ा उससे पकड़ो। ये सही है माशाल्लाह बिल्कुल। अब ये वाला पर खोल के देखो, ये भी मेरे हिसाब से हाँ बिल्कुल सही है साहब। चलो बस अभी चौथे को खोलो, फिर हम थोड़ी देर में अंदर जाएंगे, अंदर वालों को पकड़ते हैं। अंदर वालों को पकड़ना ज़रा मुश्किल है क्योंकि वो ज़रा तेज़ हैं बहुत, तो कमरा बंद करके पकड़ेंगे। ये निकाल दिया इसने। अच्छा, ये हाशिर को जो है ना, ये पकड़ना इनको आता है, ये बहुत आराम से पकड़ लेता है, मुझसे नहीं पकड़े जाते। ये इसके पर खोल के देखते हैं, ये सही है, ये वाला तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें। इस तरफ वाले में हम देखते हैं, ये जो है ये भी माशाल्लाह बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, इनको अंदर कर दो। अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं इनको, जो बड़े चूजे हैं उनको पकड़ते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। हाँ शरफ, पकड़ना शुरू करो इनको एक एक करके, एक एक करके। ये इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन खैर ये पकड़ लेते हैं आशिर इनको। अब व्यू सही आ रहा है। तो अच्छा, ये देख के ये फीडर लटका हुआ है, तो ये कहीं आपके ना लग जाए, इधर कोने में ले जाओ एक को, फिर पकड़ लेना ये। अब मेरे हिसाब से आ जाएगी। अरे भाई, ये माशाल्लाह बहुत तेज है। हाँ, इधर इधर। अच्छा, ये पक पक भी बड़ी अच्छी लगती है। ओ पक गए, ओए क्या जम मारी है यार इसने, ये पैर में तो आ रही है। चलो पकड़ो यार उधर, ये इसको। अच्छा, आहिस्ता जाओ, शायद तो पकड़ लो। अच्छा, इसको ओ एक, चलो ये देखो इसको, ये कोने में घुस रही है ना, आप देखो, आप शायद पकड़ लो। ये इनको पकड़ना वाकई बहुत मुश्किल है। ये पीछे चल रही है, यहाँ शायद ये पकड़ ले, ये एक को पकड़ लो। अरे अरे अरे, चलो कोई बात नहीं, यहाँ आ रहे हैं, ये इस कोने में शायद कोई आ जाए तो हाथ में।
इसको अब देखो कोई आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक एक को तो पकड़ ही लो, ओ पकड़ लिया एक को इसने। चलो इसको हाँ आराम से ले आओ, ना ले गया। अब जरा इसका एक पर खोलो पहले, ये एक पर देखते हैं, ये माशाल्लाह सही है बिल्कुल। अब दूसरा पर खोलो इसका, ये पर भी माशाल्लाह सही है। एक काम करो इसको ना बाहर छोड़ दो ताकि ये मिक्स ना हो जाए उनमें, और दरवाजा बंद कर देना ये तो। एंड देन वो मुर्गा बैठ गया था कार पर, लेकिन अभी भी इसको पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। चलो अशरफ दोनों उधर ही बैठे हैं आराम से। ओ पकड़ क्या बात, ये इसने पकड़ा। और इस मुर्गी को ले आओ, इसके पर देखते हैं, ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है इधर भी। और इस तरफ वाले पर को देखते हैं, ये भी थोड़ा और खोलो, ये भी हाँ मुझे बिल्कुल सही लगा है, कोई फर्क वो नहीं है। इसको भी बाहर छोड़ दो। और अभी आखिरी मुर्गा, इसको पकड़ना शायद थोड़ा मुश्किल हो क्योंकि ये मुर्गा है तो जरा तेज भागता है, लेकिन हाशिर भी कम नहीं है, ये भी पकड़ सकता है इसको, ये कोने में घुस। अरे अरे भाग रहा ये, देखो कोने में चला जाए अगर ये। इसको ये कोने में घुस गया, अब यहाँ पे आराम से पकड़ लेगा इसको। शाबाश, अब एक काम करो इसके पर खोलो, और ये बिल्कुल मेरे साथ हाँ सही है, कोई भी वो नहीं है। और इस तरफ वाला को तो देख के जरा आराम से एकदम जमना मार ले, ये भी मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। चलो ठीक है इसको भी छोड़ दो, अब एक काम करते हैं इनको फीड वगैरह देते हैं। हाँ ये फीड अभी इसमें पड़ी हुई है, अब अरे इनकी वो मुर्गी फीड अंदर देखते रह हैं, गई। इनकी फीड इसमें आशिर एक काम करो, इसमें फीड डालो और इस वाले में, और इनका दोनों का पानी चेंज करो। ये देख सकते हैं पानी गंदा हो रहा है, फीड ये रखी हुई इधर, और फीड पहले भरना, और थोड़ा सा फिर बाजरा डाल देना इसका ऊपर से। पहले फीड डालना और देखो फीड पे पानी ना जाए क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है, पता नहीं कैमरे में आपको नजर आ रही है नहीं आ रही, लेकिन हल्की हल्की बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये थोड़ा सा बाजरा ऊपर से डाल देना। अच्छा इसको जो मैंने सुबह डाली थी वो अभी थोड़ी सी बची है, तो हुजैफा आप एक काम करो, आप दोनों का पानी चेंज कर दो। ठीक बाजरा कितना डाला है? ठीक है है ना, सही है बिल्कुल, दोनों का पानी ले जाओ फेंक दो, इसको पानी से धो लो और फिर नया पानी रख दो, इसको बंद कर दो ताकि वो ना जाए इसमें। हाँ इसको ऐसे करके साइड में रख दो, और इनकी फीड जो है वो रख दो। ये मेरा ख्याल है काफी भूख है तो सही। हाँ ये खा रहे हैं, बाजरा भी शौक से खा रहे हैं, इसमें बाजरा और ये फीड मिक्स करके दिए। हाशिर इसका भी पानी निकाल के चेंज कर दो, ये पानी मैं निकाल लेता हूँ। ये लो इस वाले को फेंक के लाओ और साफ करके दूसरा, ये इसका पानी भर लिया, ऐसे में ये लेके आ रहा है, इसमें लगा दो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। और बाकी मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।